और चीज है जो हमने बाइक पे इंस्टॉल करवानी है। तो ये यार जरा हम गिर गए थे। गिरे कहाँ पे थे? करता हूँ आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक से होंगे और मज़े में होंगे एंड आपका आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जाएंगे अपने बाइक के कुछ छोटे छोटे काम करवाने। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी काम शाम उस्मान भाई से हमने करवाए थे, इन्हें इंडिकेटर्स इंस्टॉल किए थे, बाइक भी डाउन किया था, ड्रम रबर्स भी नए लगवाए थे। तो कुछ हमारे काम रह गए थे, वो रह गए काम। उसके बाद फिर आपका भाई भी काफ़ी मसरूफ़ हो गया, बाइक भी काफ़ी टाइम से बस उसके बाद खड़ा कर दिया बाइक हमने, कपड़ा शपड़ा डाल के खड़ा कर दिया था। उसके बाद तो कहीं निकाल नहीं, अगर निकाला तो सिर्फ दही लेने के लिए निकाला होगा बाइक को। हम गजब बेइज्जती है। आज के व्लॉग में जो काम हमारे पेंडिंग रह गए थे वो हम आज कंप्लीट करेंगे। हमारा जो क्लच का काम रह गया था, तो हमारा जो क्लच का वायर था वो बिल्कुल ठीक था, उसको कोई मसला मसाइल कुछ नहीं था। जो मसला था वो मेन क्लच की पतरी का था, तो हमने पतरी रिप्लेस करवानी है। बाकी कुछ छोटे मोटे काम है, ऑयल चेंज वाला काम जैसा कि रह गया था वो भी आज हमने जाके करवाना है। एक दो छोटे मोटे काम भी हैं जो करवाने हैं। बाकी एक और चीज़ है जो हमने बाइक पे इंस्टॉल करवानी है, वो है ये। हमने दराज से ऑर्डर की थी, तो हमने इसकी अनबॉक्सिंग तो खैर पहले कर ली थी हमने, हम से रहा नहीं जा रहा था। और आपको हम दिखाते हैं, फिर से अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको शो करवाते हैं। तो ये हमने जनाब ऑर्डर किया था दराज से, ये हमने ऑर्डर किए थे ये कैफे रेसर्स के साइड मिरर्स। ये भी चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी, इंस्टॉल करवानी थी लाजमी बाइक पे। बगैर साइड मिरर से तो बाइक जो है ना बाइक चलाने नहीं होता। पीछे का जब लेन चेंज करना हो, मुड़ना हो, पीछे बकायदा मुड़ के देखना पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी काम, जब से बाइक ड्रॉप करवाया तो 2-3 महीने हो गए इसी तरह ही बगैर साइड मिरर के हम बाइक चला रहे हैं। विदाउट फर्दर अडियो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग, लेट्स गो। हमने उस्मान भाई को हैंड ओवर कर दिया है, हमने कहा कि आप काम शाम शुरू कर दें। तो अभी हम इधर आए हुए हैं, साद भाई का बाइक वॉश होने आए हुए हैं, तो बस बाइक यहाँ से वॉश करवा के तो फिर हम ऑयल लेके जाएंगे, तो उनके फिर हम ऑयल भी चेंज करवाएंगे। फिर साद भाई का भी ऑयल चेंज हो गया इनका, तो ट्यूनिंग वगैरह भी होनी है उनके बाइक का। हमारा खाली बस हम ऑयल चेंज होना था एंड फिल्टर साफ़ होना है अभी। तो अभी उस्मान भाई लगे में इसका जो साइड मिरर है ना वो अब फिट करने हैं। वो बैक व्यू आ जाए थोड़ी सी बस। मान भाई मैं लगवाऊंगा वो वाले इंडिकेटर वाले। अच्छा इंशाल्लाह। ब्रॉड व्यू नहीं देता, बड़ा व्यू नहीं देता। एक बड़ा बैड सीन हुआ, जाने से पहले ही कहीं कोई हादसा पेश आया उनका। साहब क्या हुआ है? बस यार जरा हम गिर गए थे। कैसे, क्या हुआ था यार हमारे सामने? ओए होए, गिरे कहाँ पे थे? मान भाई की शॉप पे थे। इनकी ये खराश लग गया यहाँ पे, और एक लाइट भी ख़राब हो गई, ये वाला वो बार बार ब्लिंक कर रही है, और दूसरा फिर हैंडल भी इनका टेढ़ा हो गया है। काम
काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, हमारे साइड मिरर्स लग गए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी अच्छी लुक निकल आएगी बाइक की, ठीक है। क्लच की पतरी भी लग गई है एंड ऑयल भी हमारा चेंज हो गया है। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज। अभी हमारा एक और मसला हॉर्न का एक इशू है, वो अभी उस्मान में चेक कर रहे हैं। बाकी साथ भाई की वाई बी आर की जो है ना ये ट्यूनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, ऑयल उसका भी चेंज हो गया है। जैसे कि देख रहे हैं तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये भी काम का करवाना। बाकी आप इसके बारे में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अभी जो दौर भी चलाया पाकिस्तान के लेकिन आप इसको जब चलाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के ब्लॉग फिर हम यहीं के इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपने और अपने नवा के लोगों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।